लास्ट टॉपिक जो था आपका, वो हमने टोटल कॉस्ट किया था और ये फर्स्ट वीडियो में था, सेकंड में देखते हैं। देखिए एवरेज कॉस्ट, हमने टोटल कॉस्ट पढ़े, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, प्लस होता है। हमने क्या पढ़ा, टोटल कॉस्ट जो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का प्लस होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एवरेज कॉस्ट किसी का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज जो होता है किसी भी, जैसे मान लीजिए एवरेज फिक्स कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है उसके टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट का अगर फॉर्मूला हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट होता है किसी भी चीज टोटल का उसका यूनिट से डिवाइड करने के बाद एवरेज कॉस्ट। मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था कि किसी चीज को बनाने में, मान लीजिए 100 कार को बनाने में 10 लाख रुपए लग रहा है, तो एक कार को बनाने में कितना लगेगा, तो 10 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है टोटल का यूनिट, तो इसको हम लिखेंगे पर यूनिट टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, है ना। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या, किसी भी कॉस्ट का जो है एवरेज, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो होता है किसी भी टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई कुल लागत जो होती है, कुल लागत औसत लागत कहलाती है, औसत लागत कहलाती है, कहलाती है, ठीक है ना। प्रति इकाई कुल लागत जो होती है हमारी औसत लागत होती है। एसी क्या होगा, टीसी अपॉन यूनिट। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। एसी होता है टोटल का यूनिट, और टीसी का फॉर्मूला क्या होता है आप पता है आपको, क्योंकि आपका पता है आपको कि टीसी का फॉर्मूला जो होता है वो टीएफसी प्लस टीबीसी होता है, ठीक है। एसी जो होगा वो क्या होगा, टीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टीएफसी प्लस पीवीसी का एवरेज क्वांटिटी, ठीक है ना, एवरेज हो जाएगा, ठीक है, एवरेज हो जाएगा, क्लियर है। और अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग करें तो टीएफसी अपॉन एवरेज यानी यूनिट, अगर हम इसको करें तो हम टीएफसी अपॉन यूनिट लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीवीसी अपॉन यूनिट, ठीक है ना। अब एवरेज देखिए, टीएफसी अपॉन यूनिट्स टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम एवरेज से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, और टीवीसी को अगर हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे ये हमारा हमारा आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीसी का जो फॉर्मूला है, टीसी का फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा एएफसी प्लस एबीसी, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, क्लियर है। और मैं एसी का शेप बता देता हूँ, आपका जो एसी का शेप होता है वो यू आकार का होता है, कैसा होता है, यू आकार का होता है, यू आकार का एसी का शेप जो होता है वो यू आकार का होता है, आप देख लीजिएगा, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा एसी का जो शेप होता है वो यू आकार का होता है, ध्यान रखिएगा एसी का जो शेप होगा वो हमारा क्या होगा, यू आकार का होता है, क्लियर है। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट टोटल टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा था, तो ध्यान से देखिएगा कुछ अलग नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट में से ये क्वेश्चन तो 100% पूछता ही पूछता है,
औसत स्थिर लागत, स्थिर लागत ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया होगा सही तो ठीक ही है, अगर नहीं किया हो तो देख लीजिएगा इसको ठीक है कैसे करते हैं। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल ही बताया था कि एक पूरे घर का किराया जो है, किराया कभी भी क्या होता है फिक्स कॉस्ट होता है, एक घर का किराया 5,000 रुपये है ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 5,000 रुपये। अगर उसमें एक लोग रहते हैं तो 5,000 देना पड़ेगा, दो लोग रहेंगे तो 2,500 देना पड़ेगा, पांच लोग रहेंगे तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा, समझ रहे ना, 10 लोग रहेंगे तो 500 देना पड़ेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको यूनिट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे, यूनिट मतलब क्वांटिटी ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्वांटिटी भी लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ठीक है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई प्रति इकाई कुल स्थिर लागत जो होती है, कुल स्थिर लागत प्रति इकाई कुल स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं, वो एएफसी कहते हैं, कहते हैं ठीक है ना, प्रति इकाई कुल स्थिर लागत को एएफसी कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम प्रैक्टिकली सोचें, टेबल से ऐसे जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप लोग आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने सोचा बता ही देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो है फिक्स कॉस्ट कितना है 10 है ठीक है, चाहे एक बनाओ दो बनाइए फिक्स कॉस्ट तो आपका 10 ही रहेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आप देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3.3 ठीक है ना। इसका जो डायग्राम होता है, इसका डायग्राम जो देखिएगा, इसका डायग्राम जो होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी, कभी भी एएफसी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए टीएफसी कुछ ना कुछ तो रहेगा, चाहे कितना भी यूनिट से आप डिवाइड कर दीजिए, करोड़ों यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। 10 को करोड़ों यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 0.00 कुछ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए एएफसी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टीएफसी कभी 0 नहीं हो सकता ठीक है। अब ये इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा हो जाएगा, इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा ठीक है ना, आयताकार, इसे क्या बोलेंगे आयताकार अति परवलय है ना, शायद यही बोलते हैं ठीक है, अति परवलय क्लियर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें अब दिक्कत होगी, आप जिन्होंने TI-3 दिया बताइए ये क्वेश्चन था कि नहीं, जिन्होंने TI-3 दिया है वो क्वेश्चन था कि नहीं बताइए मुझे। AFC का फॉर्मूला हो जाएगा AC माइनस ABC, कहाँ से आया ये फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि AC का फॉर्मूला जो होता है AFC प्लस ABC होता है, AFC प्लस ABC होता है, इसलिए AC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AFC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AC माइनस ABC। क्लियर है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करेगा तो इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी 1 होती है कब, जब कोई भी डायग्राम कैसा बने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में
हाइपरबोला के केस में जो क्या होती है, ईडी क्या होती है, आपकी हमेशा 1 होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ध्यान देना है। कोई समस्या यहाँ तक बताइए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है क्वेश्चन जब हम करेंगे, तो ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक हमारा आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है ना, औसत परिवर्तनशील लागत, एबीसी। देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत का एवरेज जो होता है, मान लीजिए किसी चीज को बनाने में रॉ मटेरियल लगा 5 लाख का, आपने कोई चीज 50 बनाई है, तो एवरेज कितना लगा? तो क्या करेंगे, 5 लाख को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यूनिट से। यानी कभी भी किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा उसको हम यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा उसको हम यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे पर यूनिट, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी प्रति इकाई, प्रति इकाई प्रति इकाई कुल परिवर्तनशील लागत को, कुल परिवर्तन प्रति इकाई कुल परिवर्तनशील लागत को औसत लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। क्लियर, कुल परिवर्तनशील लागत को औसत, सॉरी औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं, एबीसी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। अब देखिए, एबीसी का फॉर्मूला क्या लिख दिया आपने, एबीसी का फॉर्मूला आपने लिख दिया टीवीसी अपॉन यूनिट। और आप क्योंकि जान रहे हैं, आप हम जानते हैं कि एसी का फॉर्मूला जो होता है एएफसी प्लस एबीसी होता है, तो एबीसी का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, एबीसी का फॉर्मूला बन जाएगा एसी माइनस एएफसी, एसी माइनस एएफसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एबीसी इक्वल्स टू क्या, एसी माइनस एएफसी, तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल एबीसी की तरह होता है, ये हमारा एसी है, सॉरी एसी की तरह ये हमारा एसी है और ये हमारा एबीसी हो जाएगा, एबीसी ध्यान रखिए। क्योंकि एसी का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि एसी का जो फॉर्मूला, एबीसी का जो फॉर्मूला होता है एसी माइनस एएफसी होता है, क्लियर है, एबीसी का जो फॉर्मूला होगा एसी माइनस एएफसी, एसी में जो एएफसी माइनस करने के बाद जो आएगा, तो ये जो गैप जो हो जाएगा वो गैप किसकी वजह से होता है, एएफसी की वजह से। यानी अगर आपसे पूछ दे कि एबीसी और एबीसी और एसी के बीच का अंतर, डिफरेंस क्या है, तो एबीसी के बीच का अंतर क्या है, एएफसी है। अगर आपसे पूछ दे नोट में कि एबीसी तथा एसी में अंतर का कारण क्या है, का कारण क्या होता है, तो आपका ए एफ सी होता है। चलिए यहां तक बताइए, यहां तक किसी कोई दिक्कत, पप्पू जी बताइए यहां तक, पप्पू जी कोई दिक्कत,
कोई समस्या? ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अब आता है हमारे पास सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन में जो हमारे टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है वो मार्जिनल कॉस्ट आता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा। कभी हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं यार कुछ ज्यादा ही मार्जिनल कॉस्ट लग गया है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जब हम एक्स्ट्रा चीज, कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो आपके टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आता है। जब हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो कभी भी फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, रेंट 30,000 रुपये लग रहा है, तो 250 स्टूडेंट होने के बाद रेंट 30,000 तो लगेगा, रेंट में तो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा? नोट्स, उनको जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें होगा, ठीक है ना। मान लीजिए वाटर का खर्चा बढ़ जाएगा, पानी जो जो होता है ना। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगा। तो सीमांत लागत का मतलब होता है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में, मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में पूछ दिया था। तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने से टोटल रिवेन्यू में जो चेंज होता है। जब हम रिवेन्यू चैप्टर करेंगे तो उसमें हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है वो सीमांत उपयोगिता होती है। सीमांत लागत क्या होती है? अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पाद में जो अंतर, सॉरी, कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत बोलते हैं। सीमांत उत्पाद क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है। सीमांत आगम क्या होती है? तो वस्तु की एक इकाई को बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है। ये सब समझने वाला टर्म है, ठीक है। तो लिखेंगे चेंज इन टोटल यूनिट्स, सॉरी, चेंज इन टोटल कॉस्ट, इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, एडिशनल यूनिट। और जो भी हम हमारे साथ तैयारी 4 की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीछे नीचे जो है ये फोन नंबर दिया होगा और ऐसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हिंदी में क्या लिखेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, है ना। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है, कुल लागत में जो अंतर आता है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एमसी का जो फॉर्मूला होता है, एमसी का फॉर्मूला वो होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट, ठीक है ना। तो हम क्या माइनस कर सकते हैं? एक मिनट वेट कर लीजिए।
चेंज इन टोटल कॉस्ट, इसका मतलब TCN माइनस TCN माइनस वन माइनस TCN माइनस टू, ये चलता रहेगा। ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा आ गया MC, ये हमारा MC आ गया। और एक और फॉर्मूला होता है MC का, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि एडिशनल यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में ही होता है, फिक्स कॉस्ट में तो होगा नहीं। तो TBC का भी माइनस जो होता है वो हमारा क्या होता है, MC होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। और ध्यान रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, कि देखिए AC हमेशा ऐसे बनता है, ABC हमारा इस तरह से बनता है, AFC हमारा इस तरह से बनता है, और MC हमारा ना इस तरह से बनता है। ये डायग्राम देखिएगा, ये डायग्राम अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, एक नंबर दो नंबर के लिए, क्योंकि एक नंबर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और आप यहाँ पे जाके फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं इन दोनों में सब में रिलेशन थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इन सब में मैं रिलेशन बता देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। आइए मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये हमारे पास AC है, ये हमारे पास ABC है, और ये हमारे पास MC है। ठीक है, अब मैं संबंध लिख रहा हूं AC तथा MC में, संबंध संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन 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 AC एंड MC। ठीक है ना, AC और MC में रिलेशन बताते हैं। पहले पहले इन दोनों की रिलेशन की बात करेंगे, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों की रिलेशन की बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, तो लिखेंगे AC एंड MC, MC बोथ कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ TC। इन दोनों को TC की सहायता से मापा जा सकता है, TC की सहायता से मापा जा सकता है। कैसे तो देख लेते हैं, कैसे जा सकता है, कैसे तो देखते हैं। देखिए TC का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी AC का जो फॉर्मूला होता है वो TC अपॉन यूनिट्स होता है, और MC का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन TC अपॉन चेंज इन यूनिट्स होता है। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, पता चला जब आपका ऑप्शन दे रहा है तो आपको दोनों सेम लगे, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे चेंज है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है ना, और ये कंफ्यूजन होगा, मुझे लग रहा है कि कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे। देखिए दोनों TC अपॉन यूनिट्स है, लेकिन मार्जिनल में चेंज होता है और एवरेज में सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका। सेकंड रिलेशन देखिए, सेकंड रिलेशन ये है, AC एंड MC एंड MC बोथ आर यू शेप्ड, यू शेप, दोनों यू आकार के होते हैं, AC तथा MC दोनों यू आकार के होते हैं। चलिए इस टाइम से दोनों यू आकार के होते हैं। होते हैं, क्लियर है सर? नेक्स्ट आप देखेंगे MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। हम लिखेंगे जब AC और MC बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AC MC क्या है, इक्वल है, MC इक्वल्स टू AC,
और यहाँ पे एसी क्या है, एसी हमारा मिनिमम है, लिखेंगे जहां एमसी एसी बराबर होते हैं, एसी क्या होगा, एसी मिनिमम, एसी विल बी मिनिमम। या इसको हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, एमसी कट एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। एक एक चीज अगर आपको समझना है तो आपको किसी चैनल पे भटकने की जरूरत नहीं है, आप आईओसी सुपर 50 का कोर्स परचेज कर लीजिए, आपका बेस बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखेंगे यहाँ पे एसी एमसी को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है, के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, काटता है। ठीक है ना? कुछ और रोचक बातें हैं इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं लिख देता हूं। जब हमारा एसी एमसी से ज्यादा होगा, यहां पे देखिए ये वाला एसी है, ये एमसी से ज्यादा है, एमसी कम भी हो सकता है, उस कंडीशन में बढ़ भी सकता है, यानी जब हमारा एसी ज्यादा होता है एमसी, एमसी से एसी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो लिखेंगे जब एसी ज्यादा होगा एमसी से, तो एमसी क्या हो सकता है, मे फॉल और राइज, मे फॉल और राइज, है ना? जब एसी ज्यादा होगा एमसी से तो एमसी घट तथा बढ़ सकता है। समझ आया कि नहीं? यहां तक बताइए आप लोग, यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई समस्या? सर उल्टा लिख दिया गया है, 3 नंबर, 3 नंबर, एसी और एमसी, एसी एमसी एमसी। हाँ सॉरी एमसी, सॉरी, धन्यवाद, आपने बता दिया। एमसी एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटेगा, बिल्कुल सही है रविकांत पांडे जी, धन्यवाद। समझ में आया ये? यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए कुछ चीजें और देखिए, यहाँ पे महेश जी बोले सर आपसे पढ़ के मजा आ जाता है। अच्छा, मजा भी आना है, पेपर भी क्लियर करना है महेश जी। तो एसी एमसी को ठीक है, यहाँ तक कुछ चीजें। हाँ ध्यान दीजिएगा, एसी एबीसी तथा एमसी का संबंध, एसी तथा एबीसी तथा एमसी का संबंध एसी तथा एमसी के जैसा ही होता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं, तो अगर इन सब में रिलेशन जो पूछेगा, इसमें इसमें रिलेशन पूछ दिया तो सेम है, सिर्फ टीसी की जगह यहाँ पे टीबीसी कर देना है, टीसी की जगह क्या कर देना है, टीवीसी कर देना है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक मन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको, चलिए फटाफट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले एसी का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एबीसी, नहीं पहले टीसी का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट रुक जाइए, टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीबीसी, टीएफसी का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस टीबीसी, और टीबीसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टीसी माइनस टीएफसी, टीसी माइनस टीएफसी। अब टी की जगह ए लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, एसी,
एसी इक्वल्स टू क्या होगा, एएफसी प्लस एबीसी। एएफसी क्या होगा, एसी माइनस एबीसी। एबीसी क्या होगा, एसी माइनस एएफसी। क्लियर है? और फॉर्मूला लिख देता हूं। चलिए, एसीसी का फॉर्मूला एसी इंटू यूनिट्स भी होता है ना, और पीवीसी का, पीवीसी का जो फॉर्मूला होगा एबीसी इंटू यूनिट्स भी लिख देता है, यूनिट भी होता है। और टीएफसी का जो फॉर्मूला होता है वो एएफसी इंटू यूनिट्स भी होता है, एएफसी इंटू यूनिट्स भी होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर एसी का फॉर्मूला लिखना है तो टीसी अपॉन यूनिट्स हो जाएगा, और एबीसी का फॉर्मूला लिखना है तो टीबीसी अपॉन यूनिट्स हो जाएगा, और एएफसी का, सॉरी, एएफसी का फॉर्मूला लिखना है तो टीएफसी, टीएफसी अपॉन यूनिट्स हो जाएगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? ये सब क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, ये सब बेसिक फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब एमसी का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, एमसी का फॉर्मूला चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन यूनिट्स होता है, या टीसी का माइनस माइनस टीसी एन माइनस टू चलता रहेगा, ठीक है? और टीसी का फॉर्मूला एमसी का प्लस होता है। हाँ सर, फिर मैंने बताया टीवीसी एमसी का प्लस होता है, और एमसी जो होता है टीबीसी का माइनस होता है, चेंज इन टीबीसी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, वही माइनस टीसीएन, सॉरी, टीबीसीएन माइनस टीबीसीएन माइनस वन चलता रहेगा। और एमसी जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, एमसीएन प्लस एमसीएन प्लस वन, ये चलता रहेगा, ठीक है ना? नोट में कुछ लिख देता हूं, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि एट अ यूनिट जीरो टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी में मैं पूरा जो जितना भी कैलकुलेशन है सारा समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यूनिट हमारा है 0, 1 और 2। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 60, 76 और 90। अब मुझे बताइए कि आप बना कुछ नहीं रहे हैं, फिर भी आपका टोटल कॉस्ट 60 लग रहा है, तो वो टोटल कॉस्ट होगा क्या? मतलब वो जो 60 रुपये है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, यानी आप बना कुछ नहीं रहे हैं, आपका फैक्ट्री बंद है, फिर भी आपका 60 रुपये खर्चा हो रहा है, तो कौन सा खर्चा है वो बताइए मुझे, कौन सा कॉस्ट है वो, कमेंट कीजिए। बताइए फटाफट कौन सा कॉस्ट है? टीएफसी। वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कुछ नहीं बना रहे हैं, तो वैसे भी नोट मैंने यहां लिख दिया है, तो मुझे समझ में आपको आ ही गया होगा कि आप बना कुछ नहीं रहे फिर भी खर्चा लग रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा। और टीबीसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, टीसी माइनस टीएफसी, ये माइनस ये बोला, ठीक है ना? और एवरेज निकालना, जैसे एसी निकालना है, एसी टीसी का एवरेज हो जाएगा। जैसे एबीसी निकालना है तो एवरेज किसका है, एवरेज जो है हमारा एबीसी, एवरेज किसका है, टीबीसी अपॉन यूनिट्स हो जाएगा, एबीसी टीबीसी अपॉन यूनिट्स, तो टीबीसी अपॉन यूनिट्स कर दीजिए। और जैसे हमें निकालना है एएफसी, एवरेज किसका है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स कर दीजिए 60, 30। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट, इसको समझ लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा बनाने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, पहले तो कोई चेंज नहीं। अब देखिए आप एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 16 का चेंज आ रहा है, फिर आप एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 14 का चेंज आ रहा है। यानी एमसी का फॉर्मूला ये भी लिख पुट कर सकते हैं हम लोग, और
ये भी पुट कर सकते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से टीसी में जो चेंज आ रहा है या टीवीसी में जो चेंज आ रहा है वो हमारा एमसी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं और पसंद करते हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हम आपके पास है ही सब कुछ, डाउनलोड कर लीजिएगा आईओसी सुपर 50 ऐप, और मोबाइल पे कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिए, कोई समस्या। चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे, धन्यवाद।